और आगे बैठो यार। ओके फेज नंबर टू आ हो। अच्छा कोई ऐसा शख्स जिसने फेज नंबर वन ना किया हो। शाबाश जिसने कर लिया। तुमने नहीं किया हा? अच्छा जी साइलेंस प्लीज। Alrighty, so we are now diving in phase number two. Phase number two. सभी के आने का देखना होता है हमारा ये मेन होता है। इसमें हमने क्या किया है? इसके अंदर हमारे पास डेंटल थी, पूरा डेंटल बोर्ड था जो हमने एलिगेट किया था। कैरेक्टर पॉइंट फाइंड करो। पॉइंट पॉइंट हमने क्यों किया था? टू डी एरिया लोकेट करने थे। ठीक है पहला काम काइंडली उमेर और आप जेन पे डॉक्यूमेंट बना लेना। पहला काम आपका क्या है? ये जो आपने बोर्ड बनाया इस बोर्ड के एड्रेसेस लिख रहे हैं आपने। मतलब ये अगर मैं तस्वीर बनाऊं यहां पे तो ये बोर्ड का पॉइंटर है। इसने सिंगल डी पॉइंटर्स बनाए हुए हैं। कितने बनाए होंगे? आपके केस में 9 होंगे, मेरे केस में कितने थे? 8 थे। और ये एक सिंगल डी अरे की तरफ पॉइंट कर रहा होगा जो कितने साइज की होगी? हाँ मेरे केस में 8 होगी, आपके केस में 9 होगी। ओके एंड आई वॉन्ट कि आप लोग पहला काम आपका यह है कि इसको बोर्ड को फिल करें। मतलब यह कि इसका एड्रेस क्या होना चाहिए, इसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी है। ऑफ कोर्स इस टेबल की पहली एंट्री का जो एड्रेस है अगर मैं इसको ए कह दूं तो ये ए यहां पड़ा होगा। ठीक है और फिर ऑफ कोर्स इसका कोई एड्रेस होगा, इसका कोई एड्रेस होगा और इसे ये जो 9 का टेबल आपने बनाया होगा आपने ये सारे एड्रेसेस लिखने हैं। ठीक है फिर सवाल यह है कि इसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी होगी और वो वैल्यू वो होगी जो कि एक्चुअली इस मेमोरी लोकेशन का पहले का एड्रेस होगा। तो ये जो भी एड्रेस है लेट्स से इसको मैं टी कह देता हूं तो ये टी यहां पड़ा हुआ और अगर ये सेकंड आपने रो बनाई होगी तो इसका जो एड्रेस होगा लेट मी कॉल इट लेट्स से क्यू तो ये क्यू एड्रेस यहां पड़ा हुआ। ठीक है ऑफकोर्स आपका क्यू नहीं होगा, आपने जो भी एड्रेस है वो आपने यहां पर लिखना है। ओके और आपने बाकी एड्रेसेस भी खुद लिखने कि ये एड्रेसेस क्या क्या होंगे। ओके कैन एनीबडी गेस कि इधर जो अगली मेमोरी होगी उसका एड्रेस क्या होगा? हाँ जी बताएं यार, ये दबा बंद कर देना यार जी। कैन एनीबडी गेस कि ये अगला एड्रेस क्या होगा? टी प्लस टू होगा, टी प्लस वन होगा, टी प्लस फोर होगा। कितने लोग कह रहे हैं टी प्लस फोर होगा? कितने लोग कह रहे हैं टी प्लस वन होगा? अच्छा अगर जिसको ऑलमोस्ट हाफ द क्लास इज रॉन्ग
श्योर फोर होगा बेटा? यहां पे जो वैल्यूज पड़ी है क्या वो पॉटर्स है? कैरेक्टर है, अगर कैरेक्टर है तो उनमें कितने कैरेक्टर्स का इंक्रीमेंट होता है? वन का जी। यहां पर अगर ये एड्रेस ए है तो ये एड्रेस क्या हुआ? ए प्लस कितना होगा? ए प्लस वन होगा। बंदा चंडे मारे तुम लोग। अच्छा अगर आपको ये नहीं आता ना तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको पास नहीं होने दूंगा। अगर मैं आपको बता रहा हूं बात, अगर आपने आपको ये नहीं पता ना कि इसमें कितना इंक्रीमेंट होना है, तो पहला काम आपका ये है अगले फेज का कि आगे से पहले तो उसके एड्रेस बने, खुद जाके देखें यहां पे बी जीरो का एड्रेस देखें। बी बी जीरो ये है, ये बी जीरो है, ये बी वन है, ओके? इसका एड्रेस देखें और आपको पता होना चाहिए ये क्या ये एड्रेस क्यों है। और अगर ये नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूं आप पास नहीं होंगे। सिमिलरली इसका एड्रेस क्या है और इसका एड्रेस क्या होगा, और अगर आप इसका एड्रेस डीबग मोड में देखेंगे तो नजर आएगा, लेकिन आप कंसोल स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे तो नहीं होगा। कैन एनीबडी टेल मी द रीजन? क्योंकि कैरेक्टर एड्रेस अगर आप सी आउट में रखें तो वो उसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करता है, और वो कब तक प्रिंट करता रहता है? जब तक कि क्या हो जाए, नल ना हो जाए, ओके? तो उसको ऑफ कोर्स आप सिर्फ डीबग मोड में देख सकते हैं, इसके अलावा नहीं देख सकते, ओके? उसके अलावा देखने का एक तरीका होता है कि आपने फॉर एग्जांपल ये लिखना है ना बी जीरो जीरो, इसका मुझे अगर एड्रेस चाहिए तो आमतौर पर तो हम यू लिख देते हैं कि मुझे इसका एड्रेस बता दो, लेकिन ये अगर करेंगे ना तो ये सारे लेटर्स जो भी यहां पर लिखे होंगे सारे डिस्प्ले होने शुरू होंगे, और एक्चुअली इससे आगे भी डिस्प्ले होना शुरू होगा। कब तक डिस्प्ले करता रहेगा? जब तक उसे नल नहीं मिलता, हीप पे जब तक नल नहीं मिलेगा तब तक वो प्रिंट करता रहेगा। लेकिन उसका एक तरीका है अगर एड्रेस साफ करना हो, आप एक काम करें यहां पे ना इसको वॉइड पॉइंटर में कास्ट कर दे। किसमें? वॉइड पॉइंटर का मतलब क्या होता है? वॉइड क्या होती है? कोई भी डेल्टा नहीं है ना। वॉइड पॉइंटर का मतलब है ट्रीट दिस एज ओनली एड्रेस, ओके? कोई टाइप शेप लगाने की जरूरत नहीं। ट्रीट दिस, जो भी आपने दिस का मतलब है ये चीज कही है, जो भी ये एड्रेस आया इसको सिर्फ एज एड्रेस ट्रीट करना है, आपने कुछ और अपनी कोई अपनी तरफ से शशके नहीं मारने, ओके? दैट्स व्हाट इट मींस। इसको आप वॉइड पॉइंटर में कास्ट कर लेते, ठीक है? तो अगर आप कभी भी कैरेक्टर का एड्रेस, कैरेक्टर मेमोरी का एड्रेस देखना चाहते हैं तो उसका वॉइड पॉइंटर में कास्ट करते हैं, ओके? वॉइड पॉइंटर का मतलब क्या होता है? इट्स जस्ट एन एड्रेस। अगर आप कोई भी वॉइड पॉइंटर बनाए, बात करें वॉइड पॉइंटर जो होता है ना VPTR, कोई भी नाम रखते हैं उसको, इसको अगर फॉर एग्जांपल मैं ये इंटीजर ए बनाता हूं, इसकी वैल्यू 10 रखता हूं, इसको मैं एड्रेस ऑफ ए असाइन करूं, एड्रेस असाइन हो जाए, ओके? वॉइड पॉइंटर जो होता है उसको कोई भी मेमोरी का एड्रेस असाइन हो जाता है, रिगार्डलेस कि वो कैरेक्टर टाइप है, इंट टाइप है, बूल टाइप है, जिस मर्जी टाइप का। लेकिन एक बात याद रखें, जब हम इंट पॉइंटर बनाते हैं और उसको डी रेफरेंस करते हैं, डी रेफरेंस मतलब क्या है? जब हम किसी भी पॉइंटर के साथ स्टार पीटीआर कहते हैं तो ये कितने बाइट्स उठाता है जिस भी वो टाइप का होता है? अगर वो इंट टाइप का होगा तो वो कितने बाइट उठाएगा? अगर वो कैट टाइप का होगा तो कितने बाइट उठाएगा? एक बाइट। अगर वो शॉर्ट होगा तो टू बाइट्स। अगर वो लॉन्ग होगा तो 8 बाइट्स। लेकिन अगर वो वर्ड पॉइंटर होगा तो यहां पे एरर आएगा। क्यों? क्योंकि वो वर्ड पॉइंटर है, उसको नहीं पता मैंने कितने ब्लॉक्स उठाने, तो वर्ड पॉइंटर के थ्रू कास्टिंग नहीं हो सकती, तो डी रेफरेंसिंग नहीं हो सकती। ये बात आप याद रखें। इवन आप इस VPTR यानी अगर आप मैं लिखे ना ये दिस विल बी एन एरर। और इसी तरह मैं कह दू ना VPTR+1 दैट इज ऑल्सो एन एरर। कैन एनीबडी टेल मी द रीजन? टाइप का पता नहीं है तो मुझे पता ही नहीं अगले मेमोरी एक्शन का कितनी बड़ी है, कितनी जगह जाना है, एंड इट मेक सेंस, ओके? मैं आपको सैंपल एग्जाम दूंगा, जो मैंने पिछली दफा फिर फाइनल एग्जाम दिया था उसमें एक मैंने जेनेरिक स्वैप बनाया हुआ है, जेनेरिक स्वैप, और वो बेसिकली आपसे जितनी आमतौर पर हम स्वैप लिखते हैं तो आप इंट का स्वैप अपना लिखेंगे, बूल का स्वैप अपना लिखेंगे,
फ्लोट का स्वैप का फंक्शन अलग दिखेंगे। फिर इस तरह कोई स्ट्रक्ट होगा तो उसका स्वैप अलग होगा, दो अरेज को स्वैप करने का फंक्शन अलग होगा, है ना। तुमने फाइनल एग्जाम में एक सवाल दिया था जो वर्ड पॉइंटर को यूज करता है और जेनेरिकली स्वैपिंग करता है। उसमें आप अरे पास करेंगे तो अरे की स्वैपिंग कर देगा, अगर आप इंट पास करेंगे तो इंटीजर की स्वैपिंग कर देगा, एक्चुअली आप जो पास करेंगे वो उसकी स्वैपिंग कर देगा। कैसे करता है? वेट फॉर द प्रैक्टिस फाइनल एग्जाम, ओके, एंड यू शुड नो इनसाइड आउट ऑफ दिस। एक सवाल वर्ड पॉइंटर का मैंने देना एग्जाम, ठीक है, तो वो जो एग्जाम में सवाल, जो प्रैक्टिस एग्जाम में सवाल होगा वो आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है, और आपको उसकी समझ भी होनी चाहिए, ओके। बेसिकली हम करते ही हैं कि पहले उस वर्ड पॉइंटर को जितनी भी मेमोरी दी होती है उसने स्वैप करने के लिए, उसको कैरेक्टर पॉइंटर में कास्ट कर लेते हैं और फिर एक एक बाइट करके स्वैप करते हैं, ठीक है। कर वो आप देखेंगे तो पता लगेगा। पहला टास्क फेज टू का जो कल रात को ड्यू होगा, आपने इसकी मेमोरी तस्वीर बनानी है, इसमें हर मेमोरी का एड्रेस मुझे चाहिए, ओके, और एक ही गो में बनानी है। क्यों? वो चेंज हो जाता है, ओके, हीप एड्रेसेस वक्त से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो बी शायद दोबारा वही आपको मिल जाए, लेकिन आपको हीप एड्रेस दोबारा सेम नहीं मिलेगा, ओके, कीप दिस थिंग इन माइंड। तो कोशिश करें कि एक ही गो में बनाएं, पहले पूरा देख लें कैसे डिबग करना है वगैरह वगैरह, जो वॉचेस में आपने ऐड करना है कर लें, लेकिन उसके बाद आप इकट्ठा ही करें, ओके, ठीक है। फेज टू के अंदर जो 10% नंबर है वो सिर्फ इसको ड्रॉ करने के, इस तस्वीर को ड्रॉ करने के, ये पेज होगा जो आप जमा कराएंगे, ठीक है। उस पेज की तस्वीर आप अपने पास रखें और लैब में लेते आइएगा, लैब में सबमिशन करवा लेंगे आपकी, लेकिन सबमिट आप कल रात को करा देंगे, ठीक है, ओके। टास्क टू यार तुमने वो ओपन नहीं की, मिड टर्म ने वो कुछ नहीं ओपन किया, चलिए मैं इधर बना देता। अच्छा क्विज आपके सामने, आपके सामने जो बेसिकली छह फंक्शन लिखने को कहे हैं, पहला फंक्शन जो लिखने को दिया है वो है बूल इज हॉरिजॉन मूव, छोड़ो मेरे पास है, ठीक है। इसमें क्या पास होता है? एक स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट पास होता है और एक डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट पास होता है, सोर्स कोऑर्डिनेट और डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट। ये एक लाइन का फंक्शन है, कोई बता सकता है क्या करना है? देखो बेटा हॉरिजॉन्टल मूव कैसी होती है, वो यहां से यहां भी हो सकती है और यहां से यहां भी हो सकती है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल मूव है। हॉरिजॉन्टल मूव का पता कैसे चलेगा? रॉस सेम होगी। एक्चुअली ऑल यू हैव टू चेक इज द फॉलोइंग, कि स्टार्टिंग जो कोऑर्डिनेट है डॉट आर आई इज डबल इक्वल टू डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट डॉट रो इंडेक्स, दैट्स इट। ये बात समझ आई? सो वी आर डन विद इज हॉरिजॉन्टल मूव। कैन एनीबडी गेस के, अच्छा इसको मैं इरेज करता हूं यहां से, एक मिनट प्लीज, क्या हुआ है? ये जो हमने कोड किया ये हमने किया जी यहां से यहां जाने का या यहां से यहां जाने का, इन दोनों केसेस के अंदर हमने हॉरिजॉन्टल मूव चेक कर लिए। अच्छा इसका अगला फंक्शन हम लिखते हैं, इसका नाम है जी बूल इज वर्टिकल जी। इस वर्टिकल के अंदर भी सेमी एस सी और डीसी पास होता है, और बताएं जी क्या चेक करेंगे इसमें जी? रिटर्न, ये होती है जी वर्टिकल मूव, ऊपर से नीचे आना या नीचे से ऊपर जाना, यही होता है ना जी? बताएं जी, कॉलम सेम होना चाहिए, है ना? तो एस सी डॉट सी आई इज डबल इक्वल टू डी सी डॉट सी आई। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ओके, सही है जी। अब मुझे बताएं बूल इस डायगोनल मूव क्या होती है जी? इसके अंदर भी एस सी पास होता है
डीसी पास होता है। डायगोनल मूव पहले तो रहना होती कैसे, वो ये भी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। ये चार तरह की मूवमेंट है। ओके अच्छा इसमें गौर से देखें, गौर से देखें प्लीज। अगर आप इसको देखेंगे वो जहां से जिस मर्जी कोऑर्डिनेट से शुरू करें, इसके कोऑर्डिनेट होंगे लेट्स से मैं कहता हूं कोई भी कह देते हैं, अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट कहता हूं ये आर आई सी आई है, तो मुझे बता सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? आई प्लस वन सी आई प्लस वन, है ना, दोनों में एक एक इंक्रीमेंट हुआ है। व्हाट अबाउट दिस, आर आई प्लस टू सी आई प्लस टू, व्हाट अबाउट दिस आर आई प्लस थ्री प्लस सी आई प्लस थ्री, है ना। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। इस डायगोनल को चेक करने का मतलब क्या है, जितना रो में इंक्रीमेंट हो रहा है उतना ही कॉलम में इंक्रीमेंट हो रहा है। अच्छा इधर आ जाए, इसमें क्या होगा, इसके अगर कोऑर्डिनेट आ रही है और सी आई है तो कैन यू टेल मी ये क्या होगा, आर आई माइनस वन सी आई माइनस वन। यानी अगर आप देखें तो इसमें भी माइनस वन की चेंज हुई है और कॉलम में भी माइनस वन की चेंज हुई है। ये बात समझ आएगी। अच्छा ये देखिए, जिसका असम्पशन मतलब क्या है कि अगर मैं ये मेरा स्टार्टिंग का ये है और ये मेरा डेस्टिनेशन का ये है आर आई सी आई है, तो एक्चुअली अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालू तो डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, या दोनों पॉजिटिव होंगी या दोनों नेगेटिव होंगी और क्वांटिटी में सेम होंगी। ये बात समझ आ गई। अच्छा इधर आ जाए, इधर क्या होगा, अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, अच्छा अगर इसका कोऑर्डिनेट है आर आई सी आई तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये आर आई प्लस वन और सी आई माइनस वन। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है, इस डायगोनल के अंदर रो में हो गया एक का इंक्रीमेंट आया लेकिन कॉलम में एक का डिक्रीमेंट आया। ओके इधर आ जाए, इधर क्या हो रहा है, रो में दो का इंक्रीमेंट आया और कॉलम में दो का डिक्रीमेंट आया। ओके व्हिच एसेंशियली मीन, अच्छा इधर आ जाए, यहां से अगर मैं यहां पे आता हूं यानी ये आ रहा है और ये सी आई है, तो जब मैं यहां जाऊंगा तो मतलब क्या है, रो में एक का डिक्रीमेंट आया कॉलम में एक का इंक्रीमेंट आया। ये बात समझ आई। और मैं यहां पे भी जा सकता हूं, ये लेट्स से प्लस फोर हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, कॉलम में छह का इंक्रीमेंट, चार का इंक्रीमेंट हुआ और रो में चार का डिक्रीमेंट हुआ। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। इसका मतलब क्या है, एक्चुअली डोंट यू शुड नॉट केयर अबाउट द साइन, ऑल यू शुड केयर अबाउट इज के दोनों में जो एब्सोल्यूट चेंज आया है वो सेम क्वांटिटी का होगा। दैट मींस इट्स अ डायगोनल। ओके सो कंप्यूट डेल्टा आर एंड डेल्टा सी, ऑफकोर्स डेल्टा को साइन नहीं होता तो आप डी आर डी सी लिखते, कुछ भी लिखते। सो डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस सी माइनस आर आई माइनस डी सी माइनस आर आई, जो मर्जी कर दें डजंट मैटर, ठीक है। और साथ क्या करें, ये इसी तरह लिखे एस सी माइनस सी आई माइनस डी सी माइनस सी आई, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें। आई होप एवरीबडी रिमेंबर एबीएस, एबीएस गाड़ियों में होती है ना, एंटी लॉक पता क्या ब्रेक सिस्टम, ठीक है। ऑल यू हैव टू चेक इज दिस वन लाइन एंड दैट इज इक्वल टू के डेल्टा आर इज डबल इक्वल टू डेल्टा सी। ओके एंड यू आर डन। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ये तीन फंक्शन आपने बना लिए, ठीक है। उसके बाद तीन फंक्शन और बनाने को कहते हैं, एक फंक्शन मैं आपके सामने बनाता हूं, पूरा भी नहीं बनाऊंगा, और वो है बूल, इसका नाम है इज हॉरिजॉन्टल पाथ क्लियर। ओके इसमें क्या पास होता है, बोर्ड पास होता है, डायमेंशन पास होता है, एस सी पास होता है और डीसी पास होता है, ठीक है। ये फंक्शन है जो कि हमने लिखना है। ओके शायद डायमेंशन मैंने नहीं भेजा था,
डायमेंशन भी चाहिए होता है, बट क्या देख लेते हैं। आप हार्ड वर्क भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स 9 का, ठीक है। अच्छा जी बात सुने जी, गौर से मेरी बात सुने। एक्चुअली कहा क्या गया है, वैसे डायमेंशन ना भी बेटे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि डायमेंशन का चेक तो वो लगा ही आया होगा, हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आए होंगे वो पहले ही विद इन बाउंड्री होंगे, तो अगर आप ये ना भी डालें भेजें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑलराइट जी, हॉरिजॉन्टल पाथ क्लियर चेक करना। अब हॉरिजॉन्टल पाथ क्लियर में एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि ये यहां से यहां भी जा सकते हैं और यहां से यहां भी जा सकते हैं। गौर से देखते जाइएगा, गौर से देखते जाइएगा, ओके। मैं आपको दो इंप्लीमेंटेशन बताऊंगा एटलीस्ट, ओके, एंड दैट शुड बी सफाइस। मैंने हॉरिजॉन्टल पाथ क्लियर करना है, एक्चुअली मुझे चेक क्या करना है, मुझे जो बोर्ड है, ये मेरा बोर्ड है ना व्हाइट बोर्ड, लेट्स से वो मेरा जो भी मेरे बोर्ड पे वैल्यूज होंगे, लेट्स से मैं कहता ये हूं कि इस पीस को यहां से उठाओ और यहां से यहां पे रख दो, तो मुझे चेक करना है कि ये दरमियान में कोई पीस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कौन सी प्लेयर इस तरह की मूवमेंट कर सकता है, रुक और क्वीन, ठीक है, ओके। लेट्स से इज हॉरिजॉन्टल, हमने अगर कोई कहता है कि मैंने यहां से उठा के यहां पर रखना है तो दरमियान में कोई पीस नहीं होना चाहिए, यानी वहां पे क्या पड़ा होना चाहिए, डैश पड़ा होना चाहिए, ऐसे है, क्योंकि डैश इज द एम्प्टी स्पेस, ओके। सो दैट इज समथिंग वी वांट टू चेक। अच्छा आप मेरी बात सुने गौर से, आई विल टेल यू टू इंप्लीमेंटेशन, ओके। अच्छा पहले तो डिटेक्ट करते हैं ना कि वो हम यहां से यहां जा रहे हैं या यहां से यहां जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अगर हम यहां से यहां जा रहे हैं तो कॉलम में इंक्रीमेंट हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर हम यहां से यहां जा रहे हैं तो कॉलम में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, ओके। तो पहले हम डिटेक्ट कर लेते हैं ना कि हम यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। सो हम पहले चेक कर लेते हैं, सो इफ जी इसके ऊपर वाली मूव का डिटेक्शन कैसे होगा, अगर एससी का कॉलम इंडेक्स इज स्मॉलर देन डीसी का कॉलम इंडेक्स, अगर ऐसा है तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूव लेफ्ट टू राइट, ओके। एंड ऑल आई हैव टू चेक इज द फॉलोइंग, सो लुक एट दिस बूल पीसी, पीसी स्टैंड फॉर पाथ क्लियर, ओके। इसकी वैल्यू मैं कर देता हूं ट्रू, ट्रू का मतलब क्या है, पाथ क्लियर है, ठीक है। तो मैं यहां पर लगाता हूं फॉर लूप, अच्छा ये बहुत बुरी इंप्लीमेंटेशन में कर रहा हूं, आपने मुझे बताना इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन लेट मी डू इट। मैं यहां जाता हूं, यहां पे क्योंकि कॉलम में चेंज आ रही है तो सी को करता हूं क्या, एस सी माइन डॉट सी आई प्लस वन से शुरू करता हूं, सी आई में करता हूं जी इंक्रीमेंट, सॉरी सी में करता हूं इंक्रीमेंट, ठीक है, और सी शुड बी स्मॉलर देन डी सी डॉट सी आई, मुझे इनके दरमियान में देखना है, ओके। जहां जा रहा है वहां पे तो पीस हो सकता है, ओके, कोई किल हो सकती है, मुझे देखना है इसके दरमियान में क्या होना चाहिए, ठीक है। और चेक क्या करेंगे, अगेन वही बात, अगर डैश मिल रही है तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन अगर डैश नहीं मिली तो इसका मतलब है पाथ क्लियर नहीं है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ओके। So, यहां पर हम जो इफ लगाएंगे वो लगाएंगे कौन सा, नॉट का, और वो क्या होगा कि बोर्ड की रो फिक्स है, और वो किस कौन सी हो सकती है, एससी की भी हो सकती है और डीसी की हो सकती है, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल मूव की बात कर रहे हैं, तो यहां पर लिख देते हैं एससी डॉट रो इंडेक्स, और जो कॉलम है वो ये वाला लेंगे हम, कौन सा वाला, इस लूप वाला, अगर दैट इज नॉट इक्वल टू डैश, इसका मतलब क्या है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसके हम करेंगे पाथ क्लियर इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। और इस लूप से बाहर आके हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे क्या, पीसी, पीसी अगर एक दफा भी चला होगा तो वो पाथ क्लियर को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, और हम वो रिटर्न करवा देंगे। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड।
मेरा सवाल ये है कि इज द बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन? नो, इट कुड बी इम्प्रूव्ड. हाउ? कैसे? पीसी इज इक्वल टू फॉल्स की मुझे जरूरत नहीं है यार, इसको तुम सिंपल सा काम करो, उसी वक्त ही रिटर्न फॉल्स कर दो. एक्चुअली ये जो मैंने यहां पे लिखा है इसकी जरूरत नहीं है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन एक एक ओहो या सॉरी अबाउट दिस. ये भी खत्म कर देते हैं, यहां जाते हैं और बेसिकली ये ब्रैकेट यहां लगा देते हैं और यहां ले देते हैं रिटर्न फॉल्स. और इस फॉर लूप के बाहर क्या लिखेंगे? रिटर्न ट्रू. ठीक है, क्योंकि ये पूरा लूप चल गया, एक दफा भी उसको वो डैश के अलावा ही कोई एंट्री नहीं मिली, तो उसके मतलब दरमियान में पाथ क्लियर है. ओके, दिस इज करेक्ट. ओके, अच्छा अब एक और बात बताएं, बात अब अभी तक हमने क्या हमारा सारा काम हो गया? नहीं हुआ. अभी हमने एक और चीज चेक करनी है. वो क्या चीज चेक करनी है? अब अगर वो कह दे कि मैंने यहां से यहां जाना है, क्यों? क्या मतलब? ओ भाई, ये इस इफ के बाद आज लगा हुआ है, तो ऊपर वाली इफ में ही नहीं जाएगा. ठीक है, इधर आ जाने का मतलब क्या है? मतलब ये कि ये कंडीशन फॉल्स हुई है, इसका मतलब मैं यहां से यहां जा रहा हूं, तो यहां आ जाएगा. ये जो रिटर्न ट्रू लगा हुआ है ना, ये इस इफ के अंदर ही लगा हुआ है. ओके यार, तुम्हें क्या मसला है? ईमान क्या हुआ है? ये लिख रही है, क्यों बातें कर रहे हैं आप लोग? क्या डिस्कशन कर रहे हैं आप लोग? बेटा अभी ना करें, ठीक है? वो ना असल में पीछे सारे बच्चों का मसला होता है. ठीक है, सॉरी. आई मीन अच्छी बात है, डिस्कशन करनी चाहिए, लेकिन ना वो, ठीक है, जब मैं कहूँ ना, आप बात सुने छोटी सी, अब आप सुने. अगर आपको लगे ना कि मुझे रुक के डिस्कशन थोड़ी सी करने देना चाहिए, तो आप लोग मुझे कह दिया करें कि सर हम थोड़ा डिस्कस करने थे, आप ना बताएं. एक्चुअली लेट्स टेक दिस थिंग एज ए यानी एज ए कोड कि आप रेज हैंड करें, ठीक है, और आप कहें सर थोड़ी देर रुकें, वी वॉन्ट टू डिस्कस. ठीक है, एंड आई विल बी फाइन. ठीक है, सो लेट्स टेक ए 1 मिनट ब्रेक एंड डिस्कस के जो एल्स के अंदर लूप होगा वो कैसा होगा. यू कैन डिस्कस प्लीज. नहीं था ना? ऑलराइट जी, आई होप कि ये आप लोग खुद लिख लेंगे. ठीक है, अच्छा एक मेरा आपसे सवाल है. हमने इसमें कितने लिखे हैं? दो लूप लिखे हैं, है ना? है ना? इसका नाम क्या? ये देखो, खैर है, पीछे क्यों देख रहे हो? हाँ चलो. अच्छा मेरा आप लोगों से सवाल है, ये दो लूप लिखे हुए, दो, एक इफ है और एक एल्स है, है ना? अच्छा मैं ना इसको एक फॉर लूप से कर सकता हूं. ओके जी, कैसे कर सकता हूं? मेरा आप लोगों से सवाल है, दोबारा सुने बेटा. मैं इधर से इधर जाऊं या इधर से इधर जाऊं? ओके, मैं इधर से इधर जाऊं या इधर से इधर जाऊं, है ना? दोनों केसेस में जो मुझे जगह चेक करनी है वो तो यही है ना? ये समझ में आई बात?
तो मैं इधर से इधर जाके चेक करूं या इधर से इधर चेक क्या करूं, फर्क पड़ता है नहीं पड़ता? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। सो एक्चुअली मैं चाहूं तो इसको एक लूप में कन्वर्ट कर सकता हूं, समझ में आई बात? लुक एट दिस, हाउ आई विल गोइंग टू कन्वर्ट इट। सो मैं लिखता हूं, देखिए बूल इज हॉरिजेंटल मूव, बाकी हॉरिजेंटल मूव पाथ क्लियर, ओके। और मैं कहता हूं जी बोर्ड पास होता है, एससी पास होता है और डीसी पास होता है। एंड लुक एट दिस, व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज द फॉलोइंग, कि मैं काम करता हूं, मैं ना एक वेरिएबल बनाता हूं, एक है कॉलम स्टार्ट और एक है कॉलम एंड, कि कॉलम स्टार्ट कहां से करना है और एंड कहां से करना है, वो चाहे यहां से यहां मूवमेंट हो या चाहे यहां से यहां मूवमेंट हो, दोनों के केस में मैं इनकी वैल्यू इनिशियलाइज करूंगा और फिर मैं लूप लगा दूंगा सी एस से लेकर कहां तक का ई सी ई का, ये सब कुछ समझ में आई बात? और सिर्फ इसी के अंदर ही मैंने चेक करना, ये समझ में चुके बात? तो मैं यहां करता हूं, यहां पर दो वेरिएबल बना लेता हूं, इंटीजर कॉलम कहां से स्टार्ट करना है और कॉलम कहां पर एंड करना है, ओके। एंड लुक एट दिस, मैं यहां पर लगाता हूं एक इफ, अगर एस सी डॉट सी आई इज स्मॉलर देन क्या डी सी डॉट सी आई, इसका मतलब कौन सी मूवमेंट हो रही है, ये वाली लेफ्ट टू राइट। इस केस में मैं सी एस को वैल्यू असाइन करूंगा एस सी डॉट सी आई प्लस वन और कॉमा सी ई को वैल्यू असाइन करूंगा क्या भला डी सी माइनस सी आई माइनस वन, ओके। और एज में क्या करूंगा, ये देखें ये मेरा एस सी है और ये मेरा डी सी होगा एल्स में, और एल्स में मैं क्या करूंगा, एल्स में मैं करूंगा कि सी एस इज इक्वल टू जो डीसी का सी आई है उससे माइनस एक प्लस एक शाबाश। और क्योंकि ये देखो ना इससे एक कॉलम ज्यादा है, यानी यहां से शुरू करना है ना, और जो सी ई होगा वो मेरा क्या होगा, वो होगा एस सी माइनस डॉट सी आई माइनस वन। और अब जो मैं लूप लगाऊंगा वो लगाऊंगा C इज इक्वल टू कॉलम स्टार्ट से शुरू करें, C इज लेस देन और इक्वल टू सी ई तक जाए कॉलम प्लस प्लस करें, और वही काम जो मैंने पिछली दफा किया था वो मैं यहां करूंगा एंड वी आर डन, ओके। आई होप एवरीबॉडी अप्रिशिएट के नहीं अब नहीं होगा माइनस, क्योंकि अब मैंने काम यह दोनों केसेस में मैं दरमियान वाली जगह चेक कर रहा हूं और दरमियान वाली जगह सी एस से शुरू होती है और सी ई तक जाती है, कैन वी डिस्कस फॉर वन मिनट। हेलो, डू यू क्लियर? अभी समझ में आ गए? शाब अच्छा जी, बूल इज वर्टिकल पाथ क्लियर, बी एस सी डी सी। आई होप
कि ये आप लोग खुद कर लेंगे, ओके। अच्छा अब एक सवाल है और वो है बूल इज डायगनल पाथ क्लियर। अच्छा डायगनल को ना मैं कहता हूं, एक कह देता हूं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, और उसमें हो जाएगा राइट टू लेफ्ट, ओके। इसको भी बोर्ड पास होता है, एससी पास होता है और डीसी पास होता है, ठीक है। सो पहला जो हम लिख रहे हैं ना वो ये वाला डायगनल है, यहां से यहां जाना या यहां से यहां जाना, ठीक है। पहले इसको हम दो लूप से करने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसको एक लूप में कन्वर्ट करेंगे, ओके। बाय द वे इज दिस द ओनली डायगनल? नो, देयर इज अनदर फंक्शन रिमेनिंग जो क्या होगा, जो कि दूसरा डायगनल होगा। बूल इज डायगनल राइट टू लेफ्ट पाथ क्लियर, ओके। इसको भी बोर्ड पास होगा, एससी पास होगा और डीसी पास होगा। एंड डू नॉट फॉरगेट कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस और दिस, ठीक है। बाय द वे पहले हम इसको दो लूप से करेंगे और फिर हम कहेंगे कि यार ये अब एक लूप में कन्वर्ट हो सकता है, ओके। चाहे अगर आप गौर से देखें तो पहले तो मैं डिटेक्ट करना चाहता हूं, लेट से ये वाला डायगनल, ये वाला डायगनल कैसे डिटेक्ट होगा? इफ बताएं जी मुझे, एफ एस सी की जो रो है कॉलम भी हो सकती है जी, क्या होनी चाहिए? वो स्मॉलर देन होनी चाहिए किसकी? डी सी की डॉट रो इंडेक्स। अगर ऐसा है तो उसका मतलब क्या है? ये डायगनली ये वाला डायगनल है, ठीक है। इस केस में बेसिकली मुझे करना क्या है, सबसे पहली बात तो यह कि मुझे कितने का लूप चलाना है, ये निकाल लें। ये कैसे पता लगेगा? बेसिकली डी आर की वैल्यू निकालें, डी आर कितनी है, जितनी रो में चेंजेस हुई है, ऑफकोर्स जितनी रो में चेंजेस होगी उतनी कॉलम में भी चेंजेस होगी, ओके। सो डी आर इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे बेटा? अब थोड़ा सा ना थोड़ी सी मैथ कर लें। लेट्स से अगर मैं 1 1 से 1 1 लाजमी नहीं है, 1 2 भी हो सकता है, 1 2 से 4 दोनों में 4 4 ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7। तो 1 2 से मैं 5 7 पे चला गया बेटा, दोनों में मैंने 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 6 हो जाएगा। अच्छा आप मेरी बात सुने, तो मैं डी आर की वैल्यू निकालता हूं। अब ये डी आर क्या बता रहा है? ये बता रहा है मैंने लूप कितने में चलाना है, मैंने कितनी वैल्यूज है चेक कर दी, ओके। सो डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी सी डॉट आर आई माइनस एस सी डॉट आर आई। ये बात समझ आएगी, ठीक है। ये मुझे बता रहा है मैंने लूप कितनी दफा चलाना है, मैंने वैल्यूज कितनी दफा चेक कर दी। और आप सुने मेरी बात, सुन, फॉर लूप वही बात, आई इज इक्वल टू कहां से शुरू करो? जीरो से नहीं, 1 से शुरू करो। अच्छा एक छोटी सी बात, सॉरी एक मिनट बात, अगर मैं देखूं से मैंने 1 से लेकर 5 तक जाना, तो 1 से 5 के दरमियान में कितनी वैल्यूज है? 2 3 4 एक वैल्यू कम है, तो मैं माइनस वगैरह करता हूं तो मुझे एक दफा माइनस और भी करना पड़ेगा। क्यों माइनस 1 एक दफा और करना पड़ेगा? क्यों बोला? क्योंकि मुझे बाउंड्री जो राइट वाली बाउंड्री वो भी रिमूव कंसीडर नहीं करनी। ये सब कुछ समझ में आ गई बात? इस तरह जब भी होना सबसे पहले छोटी सी एग्जांपल में चेक कर लिया करो, मुझे ये मैंने सही भी कर रहा हूं नहीं कर रहा। यानी कि मैं 1 से 5 तक जो जा रहा हूं, मान लीजिए 1 से मैं रो में अपनी जो आई वो 2 3 होगी, 2 3 हो गया 4 3 4 और फिर 5 6 लेकिन अगर मैं दोनों का माइनस कर दूं तो वैल्यू 4 बनती है, तो मुझे एक दफा माइनस 1 करना चाहिए। एंड इट मेक सेंस, क्योंकि जब आप जब भी लेट्स से 10 माइनस 1 करते हैं तो जो दरमियान में वैल्यूज होती हैं वो कितनी होती है? वो 8 होती है। तो उस केस में मुझे एक दफा माइनस 1 और करना पड़ता, ठीक है। और हमारे केस में उनके बाउंड्री इंक्लूड नहीं है तो मैं माइनस 1 एक दफा और करना पड़ेगा जी। चार
भी उससे प्लस वन से करेंगे, एस सी डॉट आर ए प्लस वन से करेंगे, तो लेफ्ट वाली तो वैसे ही एक्सक्लूड हो जाएगी। और मैं लूप लगा रहा हूँ, वो सिंपल सा लगा रहा हूँ कि आई इज लेस देन और इक्वल टू डी आर, और यहां मैं करता हूं आई प्लस प्लस, खामोश प्लीज। और यहां मेरा सवाल ये है कि यहां मुझे एग्जैक्ट चेक करना है, इस डायगोनल को अगर मैं गौर से देखूं तो इस डायगोनल में क्या चीज हो रही होती है, इसमें हो रही है ए जी बोर्ड के जो भी एस सी डॉट आर आई है उसमें प्लस आई कर दो, और एस डी सी सॉरी ये भी एस सी होगा, एस सी डॉट डॉट सी आई में भी प्लस आई कर दो, और इस जगह पे क्या वो तो फौरन ही रिटर्न फॉल्स कर दो, अगर डैश नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, और ऑफ कोर्स इस लूप से बाहर मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं बात इसके एल्स में क्या हो, इसके एल्स में कौन सा तो इसके अंदर क्या चेंजेस होंगे, डी आर की वैल्यू फिर वहां से ही कंप्यूट करेंगे आप, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्यों बोला, क्योंकि उसमें नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो माइनस में आना है, तो पहली बात तो ये कि आप ऐसे करें, अब आप करेंगे यहां पे आपने डीसी माइनस डॉट आर आई में से माइनस किया था वो, उसमें आप एस सी डॉट आर आई से माइनस करने क्या डीसी डॉट आर आई माइनस वन, या फिर आप एब्सोल्यूट ले लें, या फिर आप क्या ले लें एब्सोल्यूट ले लें, और उसमें भी लूप बिल्कुल ऐसा ही होगा, दी ओनली डिफरेंस विल बी हियर, इसकी जगह क्या आ जाएगा यहां पे माइनस आ जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा यहां पे माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है कॉलम जो होना होता है वो क्या होता है माइनस होगा। ओके आप ये काम एक लूप से कर सकते थे, ओके और आपको बता दें बात, अगर आप अपने चेस में जो भी आपने चेस बनाई होगी, आप एवेल्यूशन सॉरी शोगी बनाई होगी, उसमें जब आप ये फंक्शंस आपकी जो एवेल्यूएशन होनी है उसके अंदर टीएस पहला काम आपको यही कहेंगे करने को, तो आपकी पहले फेज में से तो कोई एवेल्यूशन नहीं होनी, सबमिशन हमने चेक करनी है, जो फेज टू है उसकी सबमिशन के अंदर पहला जो एवेल्यूशन का काम है वो आपको बताता हूं क्या है, अगर आपने दो इफ में लगाकर ये काम किया हुआ तो पहला टास्क ये इसको एक इफ में कन्वर्ट करें, ओके और तीनों के तीनों फंक्शंस के लिए ये काम होगा, यानी कि इस हॉरिजॉन्टल के लिए भी, इस वर्टिकल के लिए भी, और इस डायगोनल के लिए भी, तीनों के लिए हम आपको ये टास्क देंगे, और अगर आपने एक से किया हुआ तो आप अगर दो से करके दिखाएं, ठीक है, विच विल बी वेरी ट्रिवियल बट यू शुड नो दैट, ओके सो आई वुड सजेस्ट कि एक दो से करें, एक एक से करें, फिर दूसरे डायगोनल क्योंकि दो है तो एक एक से करें और फिर एक दो से करें, ओके ताकि आपको दोनों का फ्लेवर। अच्छा जो सेकंड वाला पाथ, जो सेकंड वाला जो डायगोनल पाथ क्लियर है उसको अगर आप गौर से देखें तो जी अगर ये डायगोनल है तो इस केस में बेसिकली हमने चेक करना इसमें मतलब क्या चेंजेस होंगी, इसी इफ के अंदर क्या चेंजेस हो जाएंगे, यहां पर सिर्फ ये आ जाएगा कि इफ यहां पर क्या आ जाएगा एस सी डॉट आर आई जी प्लस आई आ जाएगा, और जो कॉलम है उसमें क्या आ जाएगा एस सी डॉट सी आई माइनस आई आ जाएगा, ओके और अगर हम यहां से जाएंगे तो आर आई में, आई होप कि ये सबको समझ में आ गई बात, अगर नहीं भी आ गया आपको जाएगा लेट्स गो बैक, लेट्स गो बैक, ऑलराइट जी ये हमारा मेन फ्लो था, और मेन फ्लो को मैं आपको रिमाइंड कराऊं तो इसमें क्या क्या चीजें थी,
ये ना मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूं जस्ट टू मेक श्योर, आई होप कि ग्रीन नजर आता है यहां पे, ये नजर आ रहा है, ये मैंने ये लिखा है, ये नजर आ रहा है, ठीक है। तो जो जो ग्रीन से लिख रहा हूं उसका मतलब ये फेस टू की चेंजेस है, ओके। अच्छा जी, अगर आप और से देखें, और मूव दे उसको तो वो कहे नहीं तुम ये नहीं कर सकते, और ऑफकोर्स पास क्लैरिटी भी दरमियान में चेक होनी चाहिए, ओके। अच्छा, आई होप के सबको पता है कि कौन सा पीस कैसे चलता है, ओके। अगर नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ऑलराइट जी, इसी मेन फ्लो में वॉच देखें, इसी मेन फ्लो के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है। अब ये मेन मेमोरी में तो कोई चीज नहीं आनी, अभी तक इस फेस के अंदर कोई भी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है जो कि आपको परेशान करे, कोई मेन मेमोरी में हमने चेंज नहीं करनी। इंटरनेट बिल्कुल वैसे होगा, प्रिंट बोर्ड अभी बिल्कुल वैसे होगा, टर्न मैसेज बिल्कुल वैसे होगा, सेलेक्ट पीस बिल्कुल वैसे होगा, उसकी वैलिडिटी बिल्कुल वैसे चेक होगी, क्योंकि ये बेसिक लीगैलिटी है, ओके। फिर हम करते हैं क्या है, फिर हम करते हैं जी उसकी सेलेक्ट पोजीशन दोबारा, डेस्टिनेशन बिल्कुल वैसी सेलेक्ट होगी, ओके। और अगर वो बेसिक लीगैलिटी डेस्टिनेशन की ठीक है तो यहां आ जाएंगे, लेकिन अब हम अपडेट बोर्ड नहीं कर सकते जब तक कि हम क्या ना कर लें, ये काम हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। इस जगह पे हमें लीगैलिटी को चेक करने की जरूरत है, ओके। और अगर वो इलीगल है तो शुरू से दोबारा करें। सो आई होप एवरीबॉडी अग्री कि इसके ऊपर हमें एक और डू वाइल लगाने की जरूरत है जो यहां से शुरू होगा। ये मैं ब्रैकेट यहां से यहां पे लेके आ रहा हूं, और यहां पे होगा वाइल, और वाइल में लिखेंगे क्या, इज लीगल मूव, और इज लीगल मूव में क्या पास होगा, गौर से सुने, यू नो इज लीगल मूव है, मैं बताते हैं भी आप। और इज लीगल मूव अगर कह दे कि वो लीगल नहीं है तो ये काम दोबारा हो, कौन सा काम, टर्न मैसेज भी दोबारा डिस्प्ले हो, सेलेक्ट पीस भी दोबारा हो, उसकी वैलिडिटी भी दोबारा चेक हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। और अगर वो वैलिड दे दे तो मैं क्या करना चाहिए। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें बेसिकली क्या भेजना है इस इज लीगल मूव के अंदर। हमें इस इज लीगल मूव में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने जब लीगलिटी की मूव चेक करनी है तो हमने एक तो पीस सेलेक्ट किया होगा, ओके, कि हमने ये वाला पीस उठाया होगा, तो पीस कौन सा हमने उठाया है वो हमें, इसका मतलब है बोर्ड यहां पे भेजना पड़ेगा, और बोर्ड के साथ साथ हमें एससी भी भेजना पड़ेगा और डीसी भी भेजना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली बोर्ड में कौन सा पीस आपने उठाया है वो हमें इस कोऑर्डिनेट से पता लगेगा, ओके। अच्छा, टू बी ऑन द सेफ साइड मैं यहां पे डिम भी भेज देता हूं और टर्न भी भेज देता हूं। टर्न मैं क्यों भेज रहा हूं, इस फेज में क्लियर नहीं होगा, अगले फेज में क्लियर होगा, ओके। फिलहाल टर्न हमारे यूज नहीं होने, लेकिन ये हमने भेज दिए, ठीक है। दैट्स इट, दिस इज द ओनली चेंज वी हैव टू डू इन अवर मेन फ्लो। एंड नाउ व्हाट इज रिमेनिंग टू राइट दिस फंक्शन, ओके। तो ये फंक्शन लिखते हैं जी, बूम इज लीगल मूव, बोर्ड पास हो रहा है, एससी पास हो रहा है और डीसी पास हो रहा है, द रेस्ट आर इग्नोर्ड क्योंकि मैंने उनको यूज नहीं करना फिलहाल, ठीक है। ऑलराइट जी, बेसिकली अगर आप देखें
तो यहां पे कुछ भी नहीं होना सिवाय एक चीज के, स्विच बोर्ड की sc.ri sc.ci पे जो भी पीस पड़ा हुआ है, लेट्स से केस है स्मॉल r, केस है कैपिटल r, इन दोनों के केस में क्या करना है, रुक लीगैलिटी। और रुक लीगैलिटी में क्या पास करेंगे, बोर्ड एससी और डीसी, ठीक है। और अगर ये कह दे कि मैं वहां पे रिटर्न ट्रू करता हूं, ये मेरी मूव है, तो वो रिटर्न ट्रू हो जाएगा। जी केस बिशप कैपिटल बी है या केस स्मॉल बी है, उस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे जी बिशप लीगैलिटी, बोर्ड एससी डीसी। ये जो फंक्शन रिटर्न करेगा मैं वही वैल्यू रिटर्न कर दूंगा। अगर मैंने ट्रू रिटर्न किया तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, अगर मैंने फॉल्स ने फॉल्स रिटर्न किया तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। सो आई होप एवरीबॉडी एग्री कि यहीं पर सारे केसेस होंगे एंड वी आर डन। ओके अहमद, क्या रह गया बाकी, क्या रह गया बाकी, क्या बाकी है? हर पीस का लीगल फंक्शन लिखना बाकी रह गया। एवरीबॉडी एग्री, ठीक है। अब मैं मजीद बताऊंगा आपको, ये सारे के सारे फंक्शन एक लाइन के फंक्शन है। लेट मी डिस्कस एवरी वन ऑफ देम वन बाय वन। ओके, लुक एट दिस, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रुक। बूम फैलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, बूम। अब आपको पता लगेगा ये जो हमने आपके सामने जो क्विज रखा था ना, ये जो छह फंक्शन बनाए थे, ये मैं दोबारा लिखता हूं आपके सामने। बूल इज हॉरिजॉन्टल मूव, इसको क्या पास होता है, एससी और डीसी। बूल इज वर्टिकल मूव, एससी और डीसी। बूल इज डायगोनल मूव, एससी और डीसी। बूल इज हॉरिजॉन्टल पाथ क्लियर, एससी डीसी और बोर्ड पास होता है इसको। बूल इज वर्टिकल पाथ क्लियर, बोर्ड एससी और डीसी। बूल इज डायगोनल पाथ क्लियर, बोर्ड एससी और डीसी। ओके, बूल रुक लीगैलिटी, इसको क्या पास होता है, बोर्ड एससी डीसी। जी कैन एनीबॉडी टेल मी रुक किस तरह चलता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, एंड इट्स रिक्वायरमेंट इज कि पाथ क्लियर होना चाहिए। लुक एट दिस, रिटर्न इज हॉरिजॉन्टल मूव, इसमें पास करेंगे एस सी डी सी, और एंड अगर हॉरिजॉन्टल मूव है तो इज हॉरिजॉन्टल पाथ क्लियर। वाओ, और इज वर्टिकल मूव एंड इज वर्टिकल पाथ क्लियर, डन, वन लाइन फंक्शन। ओके जी, इज सो जी बूल जी आ जाए जी, बिशप
बिशप बी एस सी डी सी. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट विल बी द फंक्शनैलिटी? जी रिटर्न, जी बता दे. इज डायगोनल मूव एंड इज डायगोनल पाथ क्लियर. दैट्स इट. और डायगोनल की ऑफकोर्स दोनों होंगे तो आई वुड सजेस्ट, सुने बात और, आई वुड सजेस्ट कि इस डायगोनल पाथ क्लियर एक बना दें और उसके अंदर वो दोनों कॉल कर दें और करके. ठीक है, और क्या एंड? दोनों में से कोई और नहीं होगा, क्योंकि आपको उसके अंदर एक इफ लगाना पड़ेगा कि ये वाला डायगोनल है या ये वाला डायगोनल है. तो एक्चुअली आप और नहीं सकते, दोनों में चेक करना पड़ेगा. तो आपको पहले डिटेक्ट करना पड़ेगा कौन सा वाला है, वो वाला कॉल करेगा. तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा केयरफुली. ठीक है, तो पहले आप डिटेक्ट कीजिएगा कौन सा डायगोनल है, उसकी सर्फाटी कॉल कीजिएगा. ठीक है जी, यू आर डन विद बिशप. और अब आते हैं बूल क्वीन. क्वीन पाथ क्लियर, बी एस सी डी सी. व्हाट इज ए क्वीन? क्वीन मूवमेंट इज बेसिकली वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी होती है और डायगोनल भी होती है. तो क्या कॉल करते हैं? जी रिटर्न रुक लीगैलिटी. रुक लीगैलिटी ए और क्या हो जाएगा? बिशप लीगैलिटी. ठीक है, एंड वी आर डन. ओके जी, बताएं जी बूल किंग. जी किंग लीगैलिटी में क्या होगा? या खामोश है, एफ सी डी सी. वट इज द किंग मूव? किंग मूव इज नथिंग बट क्वीन लाइक मूवमेंट. द ओनली डिफरेंस इज क्या हो सकता है? वो उसकी मूवमेंट की जो क्वांटिटी होती है वो वन हो सकती है. तो एक्चुअली आप ये लिखे रिटर्न क्वीन मूव. ठीक है, साथ एक और काम कर लें कि आप डेल्टा आर निकाल लें और डेल्टा सी निकाल लें. ये आपको निकालना आता है एबीएस वगैरह के थ्रू, है ना. तो साथ एंड लगा दें कि डेल्टा आर इज लेस देन और इक्वल टू वन एंड डेल्टा सी इज लेस देन और इक्वल टू वन एंड यू डाउन. ओके जी जी, बूल नाइट. नाइट के लिए जो मजे की बात है, पाथ क्लियर होना जरूरी है ही नहीं, क्योंकि नाइट की मूवमेंट जो होती है ना वो जंप मार के जा सकती है. जी अब आप मुझे बताएं कि नाइट की जो मूवमेंट होती है उसे एंड मूवमेंट कहते हैं, उसे ढाई चाल भी कहते हैं उर्दू में जब करते हैं तो. ये एक चाल होती है, यानी दो कॉलम में चेंज एक रो में चेंज. ये इधर होगा, दो कॉलम में डिक्रीज और एक कॉलम में इंक्रीज. ओके, या ये यू भी हो सकता है. यू होगा तो ये माइनस वन हो जाएगा और ये माइनस वन हो जाएगा, है ना. और ये यू भी हो सकता है और यहां पे ये हो सकता है. यानी ये दो रो में डिक्रीज हो गया और कॉलम में एक इंक्रीज और कॉलम में एक डिक्रीज, है ना. तो एक्चुअली इट्स नथिंग बट क्या करें जी, आप डेल्टा आर कंप्यूट करें, डेल्टा सी कंप्यूट करें और क्या कंडीशन लिखें? इफ डेल्टा आर इज डबल इक्वल टू टू एंड डेल्टा सी इज डबल इक्वल टू वन और डेल्टा सी इज डबल इक्वल टू टू एंड डेल्टा आर डबल इक्वल टू वन. डन. ओके जी, वी आर ऑलमोस्ट डन विद ऑल द पीसेस. ओके, there is only one left and that is pawn and I will not discuss that. Okay, pawn lag to ye raha tha aapko sabse aasan tha but pawn sabse zyada mushkil hai. Acha main aapko pawn ki movement ke bare mein bata dun. Acha sab baat baat hai, baad mein main chess ke bare mein baat kar raha hu, aapne show ke bare mein khud padhna hai aur rules padhein aur usko padh ke samjhein. Okay,
सारे स्पेस जो पॉइंट होता है वो कैसे चलता है उसके बारे में पहले बात कर लें। पॉइंट होया तो क्या, पॉइंट अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे बैठा हुआ है तो पहली दफा वो एक स्टेप भी चल सकता है और दो स्टेप भी चल सकता है, वो एक स्टेप भी चल सकता है और दो स्टेप भी चल सकता है। ओके, पहली बड़ी जरूरी बात। ओके, सो पहले तो आपको चेक लगाना पड़ेगा फर्स्ट टाइम मूव, फर्स्ट टाइम मूव। सो उसके अंदर वो डायगोनली, सॉरी वर्टिकली, वर्टिकली वो एक भी मूव कर सकता है, दो भी मूव कर सकता है, लेकिन जब वो दो मूव करेगा तो उसका पाथ क्लियर होना चाहिए। ओके, पाथ क्लियर बना चुके हैं। और उसकी जो, अगर फर्स्ट टाइम मूव नहीं है तो उसकी दो मूव्स होती हैं। फर्स्ट मूव वर्टिकली ओनली वन अप और डाउन, वन अप फॉर व्हाइट, डाउन फॉर ब्लैक। ओके, और अगर आप देखें तो आमतौर पे हमने जो रुक का हमने फंक्शनलिटी बनाई थी वो ऊपर वाले के लिए भी सेम थी, नीचे वाले के लिए भी सेम थी, है ना। रुक चाहे, मैंने आपको याद है ये केस बनाए हुए थे, ये रुक चाहे ऊपर वाले का हो चाहे नीचे वाले का हो, सबकी लीगैलिटी सेम है। बिशप चाहे ऊपर वाले का हो चाहे नीचे वाले की लीगैलिटी सेम है, लेकिन पॉन के केस में ऐसा नहीं है। जो ऊपर वाला है, जो ब्लैक वाला है वो हमेशा नीचे आता है और जो व्हाइट वाला है वो हमेशा ऊपर जाएगा। ओके, तो आई वुड सजेस्ट कि दोनों के स्विचेस अलग लिखें और दोनों को अलग हैंडल करें। ओके, और मैं आपको मजे की बात बताऊं, जो सेस थ्री है उसके बारे में सोचना शुरू कर दें, उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो लेके पॉन प्रमोट होते हैं। ओके, पॉन प्रमोट होगा तो बेसिकली आपसे किसी भी और प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, आपके जो जनरल्स और ये जो भी शोगी में आप कर रहे हैं वो भी प्रमोट होते हैं। ओके, तो वन पॉसिबिलिटी इज कि आप एक काम करें, जो प्रमोटेड पीस है उनको किसी और सिंबल से रिप्लेस कर दें और उसका एक अलग केस बना दें, लेकिन डिस्प्ले उसको वैसे ही करें जैसा कि वो है, यानी बैक एंड पे स्टोर क्या हुआ है कोई और करेक्टर, लेकिन डिस्प्ले करवाते हुए वहां पे एक लगा दें, अगर ये करेक्टर है तो वही डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले होना है। ये बात सुना, ठीक है, 5 मिनट जी। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, वी आर डन विथ फेज टू, चले वो बाद में बात करेंगे, फेज थ्री बात, ये बंद करें यार। अच्छा, अब एक और बड़ी जरूरी बात, आप लोगों ने एनिमेशंस बनाए थे और एनिमेशन में हमने वो शेप प्रिंटिंग की थी, शेप प्रिंटिंग आपने अपने नाम वगैरह प्रिंट किया था, है ना। तो नाम प्रिंट जब हम करते थे, फॉर एग्जांपल किसी का नाम है वो एन से शुरू होता है, ठीक है, तो याद है हमने एन जब प्रिंट किया था तो उसका एक सेंटर था और हमने एक स्केल डिफाइन किया था, है ना। स्केल अगर ना हो, लेट्स से हार्ड कोडेड हो, तो दो लेटर्स इसके हिसाब से ऐसे हों, इसके ऐसे हों, इसके ऐसे हों, इसके ऐसे हों, है ना। अगर हम हार्ड कोड भी कर दें तो सेंटर में चेंज करता जाऊंगा तो क्या होता जाएगा, यार ये दबाव बंद कर दो, दबाव बंद कर दो, अगर मैं सेंटर चेंज करूंगा तो ये तस्वीर कहीं और डिस्प्ले होने शुरू करेगी, है ना। अगर मैं सेंटर यहां रखूंगा तो डिस्प्ले कहीं और होगा, यहां रखूंगा तो कहीं और होगा, एंड सो ऑन सो, ऐसे ही है ना। सो अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी स्पीच की तस्वीर बनाते, सो फॉर एग्जांपल पॉन की तस्वीर बड़ी, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने वो थिंकिंग मशीन देखी थी, देखी थी थिंकिंग मशीन देखी थी, क्रोम ये बड़ी मजे की एक है, मैं कौन से खोलूं यार, ये खोल लेते, थिंकिंग मशीन 4, इसमें बेविस्ट के नाम से, ये बड़ी जबरदस्त है, इसे को नजर आ रहा है,
आप चाहें तो ये भी तस्वीरें भी ले सकते हैं। इसमें देखिए पहले व्हाइट की बारी है, तो इसको उसने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, सर्कल से। सो पॉन की तस्वीर बेशक आप सर्कल बना दें। और ये देखें जैसे मैं इसको उठाता हूँ, इसको मैं उठा कर यहाँ रखता हूँ, है ना, ठीक है। खैर बाद ये तो कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन है, तो ये बेसिकली पूरी कैलकुलेशन करता है पीछे बैकेंड कि मुझे कौन सी मूव मुझे करनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो फिर आप और बाद में ये इसकी क्वीन है, तो ये इसको आप यहाँ से यहाँ रख सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो आप इनके पीसेस बना सकते हैं। तो आप भी ये चाहें तो इस तरह की शेप्स, ईजिएस्ट शेप बनाएं, हर पीस की अपनी अपनी शेप बनाएं और वो शेप्स आप डिस्प्ले करवा दें। हर शेप का अपना एक सेंटर होगा और उसके अराउंड वो कैरेक्टर्स होंगे जो डिस्प्ले हो रहे होंगे। बस कोशिश ये करें, काइंडली बात सुने, कोशिश ये करें कि अगर आप ब्लैक के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ब्लैक और व्हाइट रखें या ब्लैक ना रखें, जो कैरेक्टर्स है ना उनको ये इस तरह से रखा हुआ ना, ये व्हाइट है, व्हाइट भी नहीं, ये हल्का सा ग्रेश है और ये ग्रे थोड़ा ज्यादा है, ठीक है ना। और जो पीसीज हैं वो एक ब्लैक वाले ब्लैक रखें और जो 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 व्हाइट के पीसेज हैं वो व्हाइट से ड्रॉ कर दें, ओके। उससे होगा ये कि वो आप जिस जगह मर्जी ड्रॉ करेंगे वो वैसे ही ड्रॉ होगा, ओके। ये बात समझ आई? बस एक थोड़ी सी केयरफुल रहे कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ये है ना, इसको मैं उठा के यहां से यहां रखता हूं, तो यहां पे इसका बैकग्राउंड व्हाइट था और यहां पे इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है। तो बस जहां पर भी आप ड्रॉ कर रहे हैं वहां पे देखें कि वहां पे जो कोऑर्डिनेट बनता है वो आपको याद होगा कि मैंने डब्बे के बारे में एक छोटी सी लाइन कह दी थी कि अगर आई प्लस रो प्लस कॉलम की वैल्यू इवन है तो वो व्हाइट होगा और अगर वो वैल्यू ऑड है तो वो क्या होगा, ब्लैक होगा, हाँ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो उसके हिसाब से इस डब्बे को ड्रॉ करें, ओके। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप ये तस्वीरें जो हैं वो उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बना दें जिनके हम सेंटर बताएं। तो पॉन का फंक्शन जो है प्रिंट का क्या होगा, उसको एक सेंटर पास होगा और वो उसके अराउंड जो है अपनी शेप डिस्प्ले कर देगा। तो ये सारे हार्ड कोडेड फंक्शन है जिसके आपके एम ई प्लस के 5 नंबर है, ठीक है। यानी आपको, आप नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो आपको 5 नंबर के करीब करीब आपको बोनस मिल जाएगा, बोनस मार्क्स, ठीक है। लेकिन अच्छा, और एक और बात मैं आपको एक बात बताऊं, आपको याद होगा मैंने ये, मैं इसकी तस्वीर कॉपी कर लेता हूं और लेट्स से मैं यहां पे इसको पेस्ट करता हूं, लेट्स से ये ड्राइंग आपने कर दी है, ठीक है। लेट्स से ये ड्राइंग आप कर चुके हैं और मेरा अब आपसे एक सवाल है, और सवाल बेटा बड़ा सिंपल सा है कि लेट्स से कि मैं इस जगह क्लिक करता हूं, लेट्स से यहां क्लिक करता हूं या यहां क्लिक करता हूं या यहां क्लिक करता हूं, लेट्स से थोड़ी सी कन्वेंशन बना लेते हैं कि लेट्स से जो मेरी जो भी बोर्ड की डायमेंशन है ना वो ऐसे है कि ये जो है वो 10 साइज का है और ये जो है ये भी 10 साइज का, ठीक है। तो ये भी 10 साइज का होगा, ये भी 10 साइज का होगा, ठीक है, ये भी 10 साइज का होगा, 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 ये भी 10 साइज का। अच्छा मेरी बात सुने गौर से, लेट्स से कि मैंने कहीं भी इस जगह पे क्लिक किया, तो अगर आप देखें तो ये जीरो इंडेक्स है, ये 10 होगा, ये 20 होगा, ये 30 होगा, ये 40 होगा, 50 होगा और ये 60 होगा, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताएं, यहां पे इस ब्लॉक के अंदर मैं कहीं भी क्लिक करूं, इसकी कॉलम इंडेक्स कहां से कहां के दरमियान में होगी? तो माउस पे क्लिक आपको करना आता है, है ना। सो लेट्स से माउस पे हमने जहां पे भी क्लिक हुआ उसने हमें एक दे दिया माउस रो और माउस कॉलम, ठीक है। अच्छा अगर मैं माउस कॉलम को डिवाइडेड बाय ये जो मेरा बॉक्स है, बॉक्स कॉलम से डिवाइड कर दो, बॉक्स कॉलम मेरा कितने 10 है, ठीक है। जो भी रो होती है
मैं कॉलम उसकी वैल्यू कैसे पुटिंग कर, तो 55 डिवाइड बाय 10 कितना 5, और टेल मी व्हाट इज द इंडेक्स इन कॉलम 0 1 2 3 4 अच्छा अभी तक मुझे बताएं इस पूरे के पूरे पोर्शन में मेरे रो की वैल्यू कहां तक होती है? ये जीरो होगी, ये टेन होगी और ये ट्वेंटी होगी, तो टेन से ट्वेंटी के दरमियान में होगी, ऐसे ही होगा। तो आप एक काम करें, लेट्स से मैंने जो यहां पर सिलेक्ट किया वो सत्रह है, तो सत्रह जो कि रो होती है, लेट्स से इसकी वैल्यू सत्रह आती है, तो सत्रह डिवाइडेड बाय ब्लॉक रोज कितना आएगा? वन आएगा, और ये वन ही होगा। सेलेक्ट पोजीशन जो हमने किया हुआ था वो सेलेक्ट पोजीशन अगर आप अब आप चाहें तो किससे रिप्लेस कर सकते हैं? माउस से रिप्लेस कर सकते हैं। बट डू रिमेंबर दिस कि वो जो भी आपको एमआरएमसी देगा उससे आप एस जो भी आपको पास हो रहा है पोजीशन उससे आप असाइन करेंगे, लेकिन आप वहां पे आउटपुट जरूर नीचे कर दीजिएगा कि आपने ये कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लिया जो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस केस में ए बी सी डी ई एफ एफ टू, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है? तो आपने नीचे डिस्प्ले जरूर कर देना, ये आपका काम होगा, ठीक है? इस फॉर्स के अंदर सारे पीसेस की लीगैलिटी आप लोगों ने डाली है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, माउस आप यूज कर दें, माउस सबसे पहले डाल दें क्योंकि माउस विल गोइंग टू सेव योर टाइम, ओके? ऑलराइट, और आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोगों ने आप लैपटॉप वगैरह लेके अगर आए हुए हैं, नहीं भी आए हुए तो लैब में जाके आप कोशिश करें कि आप आज ये माउस वाला काम करके जाएं, और कहीं पर भी आपको हेल्प चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच जिला। बेटा एक मिनट।